इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर सर्कुलर की। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। वैसे भी अब तक सर्कुलर आने में इतना टाइम वेस्ट हो ही रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट आपकी कर दे एक हाँ छोटा सा गाना सुना के। दोस्तों, एज यूजुअल, आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ रेगुलर सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में। एज यूजुअल, नंबर वन क्वेश्चन बैंक निकालने का काम जिन प्रोफेसर्स को असाइन किया गया था उनकी तरफ से देरी हो रही है। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी तक वो क्वेश्चन बैंक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जिस नई एजेंसी को ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का काम दिया जाने वाला है, उनसे मीटिंग्स चल ही रही है, तो ये काम भी बहुत डीले होने जा रहा है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, एग्ज़ाम्स डीले होने वाली है और अप्रैल के 15-20 डेट के आसपास जो है वो आपके एग्ज़ाम जो है वो वापस से ये लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब एग्ज़ाम में अगर इतनी देरी ऑलरेडी हो रही है, तो समझ लो कि जब बैकलॉग की एग्ज़ाम्स थी तो 1.5 मंथ लगा था पूरी एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म करने में। अब रेगुलर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। इस केस में भी आप समझ लो अगर 1.5 मंथ लग रहा है, तो पूरा मई महीना जो है तब तक आपकी एग्ज़ाम जो है वो शुरू रहेगी। अब मई में जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगी तो समझ लो उसके बाद दोनों सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स और उन प्रैक्टिकल्स की एग्ज़ाम्स होंगी, उसके बाद इवन सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो मुझे बताइए, ऐसा कौन सा एकेडमिक कैलेंडर है जो फॉलो करने की कोशिश जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रही है। और वैसे भी चलो ठीक है, और सेमेस्टर हम लोग किसी भी तरीके से निकाल ही लेंगे। अब जबकि कोरोना बढ़ रहा है, कॉलेजेस बंद हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ने ऑनलाइन लेक्चर्स भी कम कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स पसंद नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे, इस केस में जो इवन सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को अगर बाई चांस ऑफलाइन कंडक्ट करने की यूनिवर्सिटी सोच भी रही है, तो मुझे बताइए, अगर सिखाया ही नहीं होगा, बीच बीच में इस तरीके से एग्ज़ाम्स आ रही होंगी, तो बच्चे किस तरीके से ये एग्ज़ाम्स देंगे। तो भाई, अब ऊपर वाला ही बचाएगा और हम लोग तो बस सिर्फ वेट कर सकते हैं। आई होप जल्द से जल्द सर्कुलर आए। मीनवाइल बच्चों, आप सबको एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपको इस पूरे दौरान में पढ़ाई और आपका टाइम पास, इसको एकदम सही तरीके से बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि अब जाके जब सर्कुलर आएगा तब हमें पता पड़ेगा कि कौन से एजेंसी को काम दिया है और किस तरीके से मॉक टेस्ट होंगी, प्रोसीजर्स होंगी, कहाँ पे मिस्टेक्स होंगी, ग्रीवेंसेस किस तरीके से देने हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। मीनवाइल आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। एक और छोटा सा डाउट था बच्चों की तरफ से, सर सिलेबस का क्या सीन है, कम होगा क्या होगा? भाई, अब तक तो एग्ज़ाम्स के बारे में उन्होंने बताया नहीं है, तो मेरे हिसाब से सिलेबस में कोई भी कमी नहीं होगी। जैसा है वैसे ही आपको पढ़ाई अभी तो शुरू रखनी पड़ेगी, और जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी बताते रहता हूं। और मीनवाइल जैसे ही सर्कुलर आएगा, आई विल बी द वन जो आपको फटाफट उसके बारे में डिटेल्स जरूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।